हेलो दोस्तों, मैं जय जय राम आपका अपने चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो कोरोना वायरस से संबंधित है, जो इस समय एक देश से दूसरे देश में लगातार फैलता जा रहा है। यदि जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं कोरोना वायरस क्या है। क्या है कोरोना वायरस? ये वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से शुरू होकर सांस लेने तक में तकलीफ होने लगती है। ये वायरस संभावित है कि जानवरों से मनुष्य तक पहुंच जाता है। ये 18 साल पहले आए वायरस सार्स से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसके प्रकोप से 2002-3 में पूरी दुनिया में 700 से ज्यादा मौतें हुई थी। इस वायरस का अभी तक टीका नहीं बना है। कहां से फैला कोरोना वायरस? कोरोना वायरस का प्रकोप चीन के वुहान शहर से प्रारंभ हुआ, जिससे चीन में अब तक लगभग 17 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 300 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। अब यह विश्व के अन्य देशों में भी पहुंच गया है। जापान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर तथा इंग्लैंड तक को इसने अपने संक्रमण में ले लिया है। भारत में भी इसके लक्षण कुछ लोगों में मिले हैं। कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं? कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति में नाक बहना, खांसी आना, गले में खराश लगना, सिर दर्द व बुखार होना, सांस लेने में तकलीफ होना। इसके लक्षण स्वाइन फ्लू से मिलते जुलते हैं। कैसे फैलता है? कोरोना वायरस जानवरों के साथ संपर्क से फैल सकता है या किसी संक्रमित व्यक्ति को छूकर फिर अपने मुंह, नाक या आंखों को छूने से वायरस का संक्रमण हो सकता है। उपचार क्या है? इसके टीके की अभी तक खोज नहीं हुई है। ये वायरस एकदम नया है, इसलिए इसकी संपूर्ण जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। दर्द बुखार की दवा से कुछ राहत मिल सकती है। मरीजों को सलाह दी जाती है कि वे खूब तरल पदार्थ पिए, आराम करें तथा ज्यादा से ज्यादा नींद लें। बचाव के उपाय, कुछ सावधानियां हैं जिनको हम रखकर इस वायरस से अपना बचाव कर सकते हैं। आइए जानें। साबुन से हाथों को दिन में कई बार धोएं, जिससे अगर किसी तरीके से हमारे हाथ संक्रमित हैं तो साबुन से धोने से वो संक्रमण से रहित हो जाएं। खांसते समय नाक व मुंह को रुमाल आदि से ढक लें। जंगली एवं पालतू जानवरों के संपर्क से बचें, क्योंकि ऐसी संभावना है कि ये वायरस जानवरों से मनुष्य में आ रहा है। अपने हाथों से आंख, मुंह व नाक को बार बार न छुए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने वाली चीजों को खाएं। सांस की किसी तकलीफ से संक्रमित व्यक्ति के करीब न जाएं। कच्चा और अधपका मांस ना खाएं। मास्क का प्रयोग करें। सार्वजनिक जगहों पर जाने में सावधानी बरतें, जैसे कहीं स्टेशन, बस अड्डा या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना पड़े तो विशेष सावधानी रखें। मास्क का प्रयोग करें। और अगर इससे संबंधित लक्षण हमें लगता है कि किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।